और अब खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने आज उधमपुर का दौरा किया है। वह क्रिश्चियन समुदाय के साथ क्रिसमस भी मनाया है। वहीं पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि वह पहले दिन से ही जम्मू कश्मीर को राज्य देने की मांग कर रहे हैं, अथवा डिलिमिटेशन जिस तरह से हुई है उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में होने चाहिए थे, लेकिन उसके बाद भी डिलिमिटेशन होनी चाहिए थी, परंतु सरकार ने इसको नहीं माना और वह अब चाहते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव हो ताकि सब लोगों को बराबरी का हिस्सा मिल सके। क्रिसमस की सबको, आपको भी बधाई, पूरे देश और दुनिया को बधाई। तमाम बीमारियों से हम सबको निजात मिले, कोविड से सबको बचाए, सबको सुरक्षित रखे, स्वास्थ्य सबका ठीक हो और सब स्वस्थ रहें, यही आज का मैसेज है। बाकी पॉलिटिकल मैसेजेस तो रोज चलते रहते हैं। सर, एक मैसेज कि फिर स्टेट का दर्जा मिलने के बाद चुनाव। देखो, हमारी मांग बेफस से रही है और जब ऑल पार्टीज की मीटिंग हुई थी और जिसमें मांग जब हमने की थी स्टेट की और इलेक्शन की, तो सरकार ने इलेक्शन भी मान लिए थे और स्टेट भी मान लिए थे, लेकिन हमने एक शर्त रखी थी उस वक्त कि भाई पहले इलेक्शंस हों, उसके बाद ये डिलिमिटेशन हो। वो तो हुआ नहीं, तो चलो अब डिलिमिटेशन हुई और हम अभी भी ये चाहते हैं कि पहले स्टेट छोड़ दें और फिर उसके बाद इलेक्शन। सर, क्या खुश है डिलिमिटेशन से? आप किस जिस तरह से कश्मीर को जो है एक सीट मिली और जम्मू कश्मीर? अब हम इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। मैं तो जम्मू कश्मीर को एक स्टेट मांगता हूँ। अभी तो हम यूटी की लड़ाई लड़ते हैं और जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में इधर मिले या उधर मिले, स्टेट को मिले, एक स्टेट की हमें बात करनी चाहिए, अलग अलग रीजन्स में की बात नहीं करनी चाहिए।